वेलकम टू इंडियाज चेंज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ आपके दोस्त नेहा। क्या आप लोग इस बात में अवेयर हैं कि हु इज द टॉयलेट मैन ऑफ द इंडिया? एनी गेसेस? यस, योर गेस इज एब्सोल्युटली राइट। वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनली एक्लेम्ड सोशल वर्कर डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक। बिंदेश्वर पाठक जो है वो बिहार के रहने वाले हैं और उन्होंने 1970 में सुलभ इंटरनेशनल की शुरुआत करी। 1980s आते आते जो सुलभ इंटरनेशनल था वो सुलभ सोशल ऑर्गेनाइजेशन में बदल चुका था। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक ने अपनी एजुकेशन बिहार और बनारस विश्वविद्यालय से कंप्लीट करी। वो PhD और डीलिट होल्डर हैं। उनको सुलभ शौचालय के का जो कॉन्सेप्ट है, का आइडिया है, वो उनको अपने शोध कार्य के दौरान जो है वो आया। उनका शोध का विषय था भंगी मुक्ति एवं स्वच्छता के लिए सर्व सुलभ साधन। उस PhD शोध कार्य के दौरान उन्होंने जो है भंगियों के साथ में या मैला ढोने वाले लोगों के साथ में अत्यधिक समय व्यतीत किया और उन्होंने उनकी समस्याओं को समझा और उनकी दशा को सुधारने का प्रयास किया। तो उस समय जो है सुलभ इंटरनेशनल का उन्होंने जो प्रयोग किया या जो उन्होंने प्रस्तुत किया, वो उन्होंने इसलिए प्रस्तुत किया क्योंकि वो मैनुअल स्क्रैवेंजिंग को जो है वो रिमूव करना चाहते थे, वो इराडिकेट करना चाहते थे मैनुअल स्क्रैवेंजिंग वर्क को, और इस तरह के जो काम करने वाले लोग हैं उनकी लाइफ स्टाइल में वो इम्प्रूवमेंट करना चाहते थे। उन्होंने बायोगैस का जो है वो अभिनव प्रयोग किया और सुलभ शौचालयों को किण्वन संयंत्रों से जोड़ करके उन्होंने बिना दुर्गंध युक्त बायोगैस का निर्माण किया और सुलभ शौचालय से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों का प्रयोग खाद के रूप में किया। जो यह तकनीक जो है ये भारत सहित अनेक विकासशील देशों में आज के वर्तमान समय में प्रयोग की जा रही है। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक ने कई सारी पुस्तकों को भी लिखा, जैसे था रोड टू फ्रीडम, अ सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ एबॉलिशन ऑफ मैनुअल स्क्रैवेंजिंग और विडोज इन इंडिया इन वृंदावन एंड बनारस। उन्होंने विडोज की स्थिति को भी जो है वो इम्प्रूवमेंट करने के लिए बहुत सारा जो है वो काम किया। और श्री पाठक को भारत सरकार द्वारा 1991 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2003 में श्री पाठक को का नाम 500 उत्कृष्ट सामाजिक कार्य करने वाले व्यक्तियों की सूची में शामिल हो गया। श्री पाठक को एनर्जी ग्लोब पुरस्कार, इंदिरा गांधी पुरस्कार, स्कॉटलैंड वाटर पुरस्कार, पर्यावरण के संरक्षण में योगदान देने के लिए प्रियदर्शनी पुरस्कार और दुबई इंटरनेशनल पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया। ऐसे इंडियाज चेंज मेकर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। नेक्स्ट हमारे चेंज मेकर हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन एक भारतीय उद्यमी थे और इन्हें फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इनका बिलियन लीटर आइडिया ने जो है वो भारत को विश्व के सर्वोत्तम दुग्ध उत्पादकों की श्रेणी में ला करके खड़ा कर दिया गया। डॉक्टर वर्गीस कुरियन इज द फाउंडर ऑफ अमूल कंपनी। अमूल के साथ साथ में वो अन्य कंपनियों के भी जो है वो संस्थापक रहे हैं, जैसे GCMFF या IRMA या NDDB। उनको कई सारे जो हैं वो पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, जैसे पद्म विभूषण, पद्मश्री, रमन मैगसेसे अवार्ड, और उन्हें श्वेत क्रांति के जनक के रूप में हमेशा भारत में याद किया जाएगा। और इन्होंने भी कई सारी पुस्तकों को भी लिखा, जिसमें एक है आई टू हैड अ ड्रीम। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को उनके योगदान के लिए शत शत नमन। आशा करती हूँ आपको इंडिया चेंज मेकर का आइडिया अच्छा लगा होगा और मेरे
मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।